नमस्कार, मैं नरेश कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो साथियों, एक और जो है लेटेस्ट अपडेट आ रही है जितने भी बैक पेपर के जो छात्र हैं उन सभी के लिए। तो साथियों, आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिए ऑन नोटिफिकेशन में। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आज ही जो है लेटर जारी किया गया है रियोपीर छात्रों के, जो है आप सब्जेक्ट में यहाँ देख सकते हैं कि रिव्यू पेपर छात्रों की हॉल टिकट जारी करने बारे। तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ है जितने भी बैक पेपर छात्र हैं, क्योंकि तो मैं लगभग अपनी काफ़ी वीडियो में मैं पहले भी बना चुका हूँ कि आपके जो है पेपर ऑनलाइन होंगे और आपके जो बैक पेपर वाले स्टूडेंट हैं उनके भी जो एग्ज़ाम जो है डिजिटली लेने जा रही है। तो उसी के चलते जो है यहाँ पर प्रौद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा ने एक जो है लेटर जारी किया गया है, जिसके अंदर विषय में आप देख सकते हैं कि रिव्यू पेपर छात्रों की हॉल टिकट जारी करने बारे। तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, तो इसको खबर को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, जितने भी छात्र उन छात्रों तक ये सूचना पहुँचाएँ ताकि समय रहते वो अपनी जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर लें। तो मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, इन्होंने लिखा है कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्राय देखने में आया कि परीक्षा केंद्रों द्वारा रियपीर छात्रों की नई हॉल टिकट जारी नहीं की जाती, पुरानी हॉल टिकट के आधार पर ही लिखित परीक्षा करवा दी जाती है, जिसके कारण जो है छात्र के अंक एनसीईआरटी पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाते हैं। तो ये काफ़ी जो है बड़ी दिक्कत है आती है छात्रों के जो पोर्टल मार्क पर अपलोड नहीं हो पाते हैं, जिनके कारण उनका रिजल्ट जो है लेट हो जाता है, अपडेट नहीं होता है या जीरो हो जाता है। ये काफ़ी सारे कारण रहते हैं इसी के कारण, क्योंकि जो पुराना हॉल टिकट होता है उसके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन आईडी का नंबर अलग होता है और जो नई जारी होती है उसका अलग होता है। तो जो पोर्टल है वो हमेशा नई आईडी ही उठाता है, तो जिसके कारण जो है छात्रों के अंक जो अपलोड नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है सभी यहाँ पर प्रिंसिपल को निर्देश दिए गए कि जो छात्र जुलाई अगस्त 2019 में जिन्होंने परीक्षा दी थी और जो फेल हो गए थे या किसी कारण जो है छात्र के अंक पोर्टल पर अपलोड नहीं हुए थे, उन छात्रों की जो न्यू हॉल टिकट जारी की जाएगी ताकि रीयूपी के जो अंक है एनसीईआरटी पोर्टल पर अपलोड किए जा सकें। तो ये आप सभी के लिए जो बैक पेपर वाले स्टूडेंट हैं उन सभी का जो है हॉल टिकट दोबारा जनरेट किया जाएगा और आपके जो भी मार्क्स वगैरह रह गए हैं जिनके जीरो वगैरह थे, बैक पेपर वाले भी हैं, तो उन सभी के जो है यहाँ पर नई हॉल टिकट जारी की जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग जो आपके जो नंबर हैं अपलोड किए जाएंगे और ये हॉल टिकट जो जारी की जाएगी आपकी वो आपके एग्ज़ाम में भी आपको काम आएगी। तो साथियों, काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक तो कर ही दीजिए साथियों, ताकि आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपके लिए जो मैं रेगुलर लेके आता रहता हूँ। तो साथ ही सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुँचाएँ ताकि जितने भी रिव्यू छात्र हैं उनको भी पता चल जाए कि उनका हॉल टिकट जनरेट होगा और इसका जो है मोबाइल पर शायद ओटीपी भी आता है आपके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अपने आईटी के संपर्क में रहिएगा, क्योंकि जल्द ही जो है अक्टूबर के अंदर जहाँ तक मेरी को सूचना मिली है कि आपके एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में होने वाले हैं। तो उसके लिए अपनी जो है तैयारी करते रहिएगा ऑनलाइन माध्यम से जो भी आपको करवाई जा रही है, और मॉक टेस्ट की भी तैयारी करते रहिएगा। मॉक टेस्ट का भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो उसका भी जो है निमी मॉक टेस्ट पर भी आप तैयार कीजिएगा और भारत स्किल के ऊपर भी मॉक टेस्ट दिया हुआ है, तो उसके ऊपर जो है ऑनलाइन आपके एग्ज़ाम कन्फर्म है ये होंगे, तो उसकी तैयारी करते रहिएगा साथियों। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको रेगुलर मिलती रहती है साथियों। तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा और अपने साथियों को भी जो है चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करवाएं ताकि वो भी मेरे चैनल के साथ जुड़कर लेटेस्ट अपडेट पा सके साथियों। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद साथियों।